नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप देश में गृह युद्ध के हालात पैदा कर दें। इस वक्त देश में मॉब लिंचिंग को लेकर माहौल काफी गर्म है। हाल ही में बिहार और झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद पूरा देश मांग कर रहा है इसके खिलाफ सख्त कानून की, जिससे लिंचिंग करने वाले इन भेड़ियों को इसके नाम से भी डर लगने लगे। मौजूदा सरकार इस समय मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का भरोसा दे चुके हैं, तो वहीं कुछ लोग कानून के ठेकेदार बनके मॉब लिंचिंग जैसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर कानून को अपने हाथ में लेने की सलाह दे रहे हैं। हाल ही में यूपी के सपा विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो मुसलमानों से बीजेपी समर्थित दुकानदारों से सामान ना खरीदने की अपील कर रहे थे। तो वहीं अपने बयानों से विवादों में रहने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मॉब लिंचिंग पर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के खिलाफ शेर बनने को कहा था। लेकिन अब ये शख्स इनसे भी आगे निकल गया। ये खबर सुर्खियों में इसलिए भी है कि जो शख्स मॉब लिंचिंग से बचने का उपाय बता रहा है वो खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पर्चा, जिन्होंने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में मुसलमानों को हथियारों के लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म भरने की ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई क्योंकि कानून को कुछ ज्यादा ही पढ़ चुके महमूद बाबू का कहना है कि जो लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं वो SC ST और मुस्लिम तबके के लोग हैं, इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत के लिए हथियारों के लाइसेंस की जरूरत है और हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार संविधान से मिला है। महमूद ने ये फॉर्म भरने की ट्रेनिंग मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने आए मुसलमानों को दी। उनका कहना है कि इस तरह 12 जगहों पर मुसलमानों को ट्रेनिंग देंगे, जिसकी अगली ट्रेनिंग दिल्ली में होगी। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले महमूद पर्चा ने इसका ऐलान लखनऊ में मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के साथ किया था, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद इस मुहिम से अलग हो गए। ये वही मौलाना है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आत्मरक्षा के नाम पर लोगों को हथियार खरीदने की नसीहत दी थी, लेकिन अब उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जल्द कानून बनाया जाएगा। लेकिन लोगों को कानून का ज्ञान बांटने वाले महमूद पर्चा ये भूल ही चुके हैं कि आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि जब देश में मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है तो आप ऐसे में लोगों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाएं। ये सिर्फ लोगों में दूसरे समुदाय के प्रति हीन भावना पैदा करेगा और ये घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। अगर इस तरह हर समुदाय और जाति अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने लगे तो मॉब लिंचिंग पर लगाम कैसे लगाया जाएगा, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जरूरी तो नहीं कि जाति धर्म समुदाय कर देख कर ही की जाती हो। देश में आए दिन ऐसा होता है जब छोटी छोटी बातों पर भी लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। चोरी और एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में लोग जिम्मेदार शख्स की बेरहमी से मार मार कर हत्या तक कर देते हैं, तो क्या उससे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि वो शख्स SC ST है या मुस्लिम है? ऐसी होने वाली तमाम घटनाओं में जब किसी एक दो केस में पता चलता है कि मारा गया शख्स ST ST या मुस्लिम है, तो इसे और भुनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता ताकि देश में जाति धर्म की खाई और गहरी हो जाए। एक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 साल में मॉब लिंचिंग के 134 मामले सामने आए हैं, जिसमें 50% मुस्लिम हैं और बाकी 50% अन्य धर्म के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग की घटना सिर्फ धर्म विशेष के आधार पर हो रही है। कहते हैं ना कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता, और इसी बात का फायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। तो क्या ऐसे में मॉब लिंचिंग को धर्म का एंगल देना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।